अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डैशबोर्ड अधूरा छोड़ा था। 6 टैब्स हमने कम्प्लीट किए थे इन्वेंट्री तक, और उसके बाद हमारे पास 2 टैब्स बाकी रहते, एक एक्सपेंस और दूसरा सेटिंग्स का। तो इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के 2 फंक्शन थे जिनके लिए हमने टेबल्स तैयार नहीं की। अब यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के मेथड आ सकते हैं। एक तो ये है कि सेल इनवाइस जो हमने बनाई है उसी के अंदर हम एक फील्ड ऐड करें रिटर्न की, और फिर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहें तो वो हम वहाँ पर जाके ईजीली रिटर्न कर सकें। और दूसरा तरीका ये है कि हम अलग से फॉर्म्स बनाएँ और उन फॉर्म्स के अंदर हमारी सारी एंट्री हों, जैसे कि हम सेल और परचेज के लिए पहले से बना चुके हैं। तो मैं आपको दूसरा मेथड प्रेफर करूंगा कि आप वो करें। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सेल डाटा जो आपके पास टेबल है, सेकेंडरी टेबल आपकी, उसके अंदर आप 2 फील्ड्स बना लें, एक आपके पास रिटर्न क्वांटिटी और रिटर्न डेट की। फिर जब आप सेल इनवाइस बनाएंगे और अगर आपका कोई भी आइटम रिटर्न होता है तो आप उसी इनवाइस को ओपन करते हुए उसकी क्वांटिटी दे के प्रोडक्ट्स की, और आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है, क्योंकि इनवाइस के अंदर ही हम दोबारा से रिटर्न नहीं रखेंगे। इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि सेल इनवाइस की जो टेबल है उसी को मैं कॉपी करता हूं और इसे मैं कहता हूं सेल रिटर्न। मैं अलग से टेबल्स बनाने वाला हूं, उन दोनों का रिलेशनशिप मैं मेंटेन रखूँगा और उसके बाद जो है मैं अपना काम करूँगा। तो सेल रिटर्न डाटा, ये मेरे पास 2 टेबल्स बन गई हैं, एक सेल रिटर्न और दूसरा सेल रिटर्न डाटा। अब इसमें आपने ये करना है कि अगर आपने सेल क्वांटिटी वगैरह वगैरह ऐड की हैं, नाम यूज़ किया है, तो उसे आपने चेंज करना होगा रिटर्न क्वांटिटी में। लेकिन चूंकि हमने ऐसा कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए ये हमारी जितनी भी सेटिंग है ये सारी की सारी बिल्कुल ठीक है। हम आते हैं रिलेशनशिप में, और यहाँ पर ऑल रिलेशनशिप में हम इन दोनों टेबल्स को ऐड करते हैं, और चूँकि हम रिलेशनशिप के लिए पहले से ही फील्ड्स बना चुके हैं तो सेल रिटर्न की आईडी मेन आईडी यहां पे हमारे साथ अटैच हो जाएगी। इन सब को मैं ऑन करता हूं जॉइन टाइप में, सेकंड ऑप्शन और फिर क्रिएट। तो ये हो गया। अब हमारे पास जो परचेज डाटा या परचेज इनवाइस है वो हम दोनों कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इन दोनों को हम पेस्ट कर देंगे। मैं करता हूँ परचेज कॉपी, परचेज रिटर्न मैं इसका नाम देता हूँ, स्ट्रक्चर ओनली। इसी तरह हमारी सेकेंडरी टेबल यानी परचेज डाटा, तो इसको मैं करता हूँ परचेज रिटर्न डाटा, स्ट्रक्चर ओनली और ओके। अब इनमें भी हमें ये सारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी फील्ड्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो हम आते हैं डाटाबेस टूल में रिलेशनशिप, और यहाँ पे हम इन दोनों टेबल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ये मैं इनिशियली बना रहा हूँ। अगर हमें कहीं पर भी ऐसे लगा कि कोई चीज़, कोई खामियाँ, कोई लैकुनस रह गए हैं, तो वो फिर हम बाद में मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी हम आईडी टू मेन आईडी करते हैं, और जॉइंट टाइप में हम आएंगे, सेकंड ऑप्शन करते हुए ओके और क्रिएट कर देंगे। तो चूँकि हमने फील्ड्स ऐसी यूज़ की हैं कि अगर हम कॉपी पेस्ट करते जाएं तो हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है, आप देख सकते हैं इस सूरत हाल में। और फिर रिटर्न और इन सब के ऊपर जब हम अपने आइकन्स वगैरह चेंज रखेंगे, हर एक जगह पर अलग अलग होंगे, तो फिर हमारे यूज़र को थोड़ी सी आसानी भी होगी। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। इसका एक और फ़ायदा ये भी है हमें कि जब हम कोडिंग करेंगे तो हमें बार बार वर्डिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हम कोडिंग को कॉपी पेस्ट करते हुए भी चला सकते हैं। तो डैशबोर्ड के ऊपर हम इन्वेंट्री के ऊपर मौजूद थे, ये सारे फंक्शंस हमने बना लिए हैं। अब हम आते हैं एक्सपेंस के अंदर। एक्सपेंस में हमारी जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो किसी भी एक चाइल्ड को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं देता हूँ एक्सपेंस चाइल्ड। डैशबोर्ड के ऊपर इसका लिंक हम लगाते जाते हैं क्योंकि बाद में फिर लगाना तो वैसे भी है। तो मैं इसको करता हूँ एक्सपेंस चाइल्ड, फॉर्म डॉट एक्सपेंस चाइल्ड, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम आते हैं और मैं इस पर करता हूँ सी एम डी एक्सपेंसेस। ठीक है जी, और ये मेरे पास होगा एक्सपेंसेस। शॉर्टकट यहाँ पे मैच हो रही है तो मैं इसे चेंज करता हूँ एन के साथ। उसके बाद ये जो बटन है इसे मैं पहले ले आता हूँ यहाँ पे, और मैं इसे नाम दे देता हूँ बैंक स्टेटमेंट।
और इसका कैप्शन बैंक स्टेटमेंट, या अगर मैं इसे करूं बैंक बैंक एंट्री, तो जो भी बैंक से रिलेटेड हमारी एंट्रीज होंगी वो हम इसके अंदर करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बटन आना चाहिए जनरल अकाउंट्स का। हम इन तमाम एंट्रीज से हट के अगर कोई भी अपनी अपना डाटा ऐड करना चाहे तो वो हमारे पास हो। इसको मैं करता हूँ सीएमडी जनरल अकाउंट्स, और जनरल अकाउंट्स इसकी इसका कैप्शन होगा। ठीक है, ये हमारे पास तीन मेन फंक्शंस होंगे। उसके बाद ये जो बटन है इसका मैं नेम दे देता हूँ सीएमडी एक्सपेंस हेड्स। ठीक है, हम अपने जितने भी अंदराज करेंगे, इंदराजात जितने भी होंगे हमारे, वो किसी न किसी हेड के अंडर आएंगे, तो इसलिए मेरे पास ये होना चाहिए एक्सपेंस हेड। और यहाँ पे मेरे पास एसेट्स होने चाहिए कंपनी एसेट्स, यानी हमारी इसी कंपनी के एसेट्स जो हैं वो। अब उन एसेट्स में हर चीज़ आ जाती है, हर किस्म का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिकल, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें आएंगी। और इसको मैं करता हूँ कंपनी एसेट्स। ठीक है, ये हमारा एक सेक्शन होगा। मैं इस कैप्शन को स्प्लिट करके, स्प्लिट हॉरिजॉन्टल, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये ग्रिड भी हमारी डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद जो है ये डाटा एंट्री, यहाँ से जो हमारा है ये सेपरेटर है, लाइन है हमारी, इसे मैं डिलीट करता हूँ। इस सब को मैं मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, मर्ज करने के बाद इसमें मैं कैप्शन देता हूँ ऐड ऑब्लिक मैनेज। ठीक है, कंट्रोल टिप टैक्स हम यहाँ पे चेंज करते हैं एक्सपेंसेस बैंक एंट्री जनरल अकाउंट्स एक्सपेंस हेड्स कंपनी एसेट्स। इस सेक्शन को मैं कर देता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये जो मेरी कमा बॉक्स है इसको मैं देता हूं सीबीओ टाइप। ठीक है, यहाँ पे हम इसे करेंगे टाइप। और जो सोर्स है हमारे पास यहाँ पे, वो सोर्स उसे हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे मैं वैल्यू लिस्ट रख देता हूँ फिलहाल, कॉलम काउंट 1, कॉलम विड्थ 1 और लिस्ट विड्थ भी 1 कर देंगे। ये मेरे पास एक कमो बॉक्स होगी। दूसरी हमारे पास एक नीचे कमो बॉक्स आएगी जिसमें मैं ऑप्शंस चूज करना चाहता हूँ। तो इस ये जो हमारे पास है फ्रॉम, इसे मैं आगे रखता हूँ और ये टू उसके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सेक्शंस हमारे बने हुए हैं जो कि हमने मर्ज वगैरह किए थे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ लेआउट, सॉरी मर्ज स्प्लिट हॉरिजॉन्टल, और एक दफ़ा फिर से स्प्लिट हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे हमारा जो सेपरेटर है उसे मैं करता हूँ स्प्लिट हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। तो ये जो सेक्शन हमारे पास यहाँ पे बने हुए हैं अलग से, उन्हें हम डिलीट कर देंगे। इसी कमो बॉक्स को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और मैं इसे प्लेस करूँगा, ये जो हमारे पास ब्लैंक सेक्शन है इसी के अंदर। इसका मैं नेम देता हूँ ऑप्शंस, और ये मेरे पास होगी सीबीओ ऑप्शंस। ठीक है, बाकी सेटिंग हम इसकी बाद में करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरे पास हो गया फ्रॉम और टू डेट। ओपन का बटन पहले से ही हमारे पास मौजूद है। प्रिंट मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे होगा, और ये एक्सपोर्ट। ठीक है, इस सेक्शन को और सेपरेटर को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इस सारे हिस्से को मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरह ये सिचुएशन आएगी, ओपन प्रिंट और एक्सपोर्ट, ये सारे के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इनके ऊपर हमारे कैप्शन भी लगे हुए हैं, अलबत्त मैं इसे जस्ट ओपन कर देता हूँ सी एम डी ओपन लेजर की जगह सी एम डी ओपन। ये मेरे पास प्रिंट के लिए है और ये एक्सपोर्ट के लिए है। इनके कैप्शंस और कंट्रोल टिप टेक्स्ट बिल्कुल प्रॉपर हैं। तो ये मेरे पास हो गया एक्सपेंस चाइल्ड के लिए।
हम यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड एक्सपेंसेस, और ये हमारा सेक्शन है एक्सपेंसेस का। अलबत्ता हमें पिक्चर्स चेंज करनी है, जैसा कि एक्सपेंस के ऊपर मैं आता हूँ, ब्राउज करता हूँ, यहाँ से मैं आइकन चूज करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास है न्यू आइकन्स, और मीडियम आइकन्स। इसमें मैं देखता हूँ कि मुझे क्या चीज़ लगानी चाहिए, यहाँ पे मैं ये आइकन चूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बैक एंट्री के ऊपर और इसमें मैं ब्राउज करता हूँ पिक्चर, बिल्डिंग या फिर बैंक होगा, जी ये है बैंक, तो इसे मैं चेंज कर लेता हूँ। जनरल अकाउंट्स, एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट, तो इसी को मैं ही यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सपेंस हेड्स, इसमें कैटेगरी का आइकन अगर हो, कैटेगरी नहीं है तो हम ऐसा करते हैं लिस्ट, लिस्ट भी नहीं है। यहाँ पे मैं चूज करता हूँ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, ठीक है, ये मेरे पास एक्सपेंस हेड के लिए आ जाएगा। इसी तरह कंपनी एसेट्स, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए मेरे पास, ये लेसन वाला जो आइकन है ये मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज जो अभी भी मेरे जहन में आई है वो है इन्वेंट्री के अंदर, तो हम आते हैं इन्वेंट्री और यहाँ पे काउंटर सेल, इसका आइकन मैंने चेंज नहीं किया था, ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ ब्राउज, इसमें काउंटर का ऑप्शन होगा, ये आइकन जो है लॉबी, इसको मैं लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास काउंटर सेल के लिए यूज़ हो सकता है। तो वापस आते हैं, हम कंपनी एसेट्स मैंने बना दी हैं, उसके बाद बाकी बटन्स तो पहले से ही मौजूद हैं, तो ये हमारे पास हो गया एक्सपेंस चाइल्ड का। डैशबोर्ड के ऊपर हम देख लेते हैं, मेरा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से होगा, कस्टमर्स, और जब हम कस्टमर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स नज़र आएंगे, और उसके बाद अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो फिर हमारा वो एक्शन होगा, ठीक है। सप्लायर्स हो गए, प्रोडक्ट्स, इम्प्लाइज, इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो हम आते हैं, क्लोज करते हैं इसे और एक चाइल्ड ले लेते हैं, इसको हम देते हैं नाम सेटिंग्स चाइल्ड का। डैशबोर्ड के ऊपर इसका लिंक पहले से ही हम लगा देते हैं, फॉर्म डॉट सेटिंग्स चाइल्ड, ठीक है, और वापस आते हैं सेटिंग्स चाइल्ड के ऊपर। इसमें हमारा पहला बटन जो है वो कहलाएगा सीएमडी टेरिटरी, टेरिटरी, और यहाँ पे हम इसका कंट्रोल टिप टेक्स्ट भी डिफाइन कर देते हैं, तो ये डुप्लीकेट हो रहा है टेरिटरी के लिए, तो मैं इसको आर कर देता हूँ यहाँ पे आर के साथ, ठीक है, ये मेरे पास हो गया टेरिटरी। और इस बटन को मैं ले आऊँगा यहाँ पे और इसका मैं नेम दे देता हूँ सी एम डी प्रिविलेजेस, ठीक है, इसको मैं प्रिविलेजेस इसका मैंने कैप्शन लिख लिया है, और उसके बाद हमारे पास ये बटन होगा सी एम डी बैकअप, ये हमारे पास शॉर्टकट बनेगी बैकअप की। और नीचे वाला बटन मैं चेंज कर देता हूँ, इसे मैं देता हूँ नेम सी एम डी रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स इसका कैप्शन होगा, और यहाँ पे हमें इसे मर्ज करना पड़ेगा, स्प्लिट हॉरिजॉन्टल फिलहाल करते हैं, बाद में मर्ज करेंगे जब हमारे सारे बटन्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये बटन मैं कॉपी करते हुए पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसे हम
प्लेस करते हैं, ये मेरे पास होगा सी एम डी प्रोफाइल, यानी कंपनी की जो प्रोफाइल है वो, ठीक है, हमारी कंपनी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम ऐड करेंगे। उसके बाद मेरे पास अकाउंट टाइप्स, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सी एम डी अकाउंट टाइप्स। अकाउंट टाइप्स इसका कैप्शन भी होगा, ठीक है। दो बटन हमें और लेनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इसी सेक्शन के लिए, तो इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने प्लेस करूँगा। एक तो मेरे पास होगा सी एम डी इम्पोर्ट आब्लिक एक्सपोर्ट, बल्कि सी एम डी इम्पोर्ट में इसका नेम लिखता हूँ, जबकि कैप्शन में मैं करूँगा इम्पोर्ट आब्लिक एक्सपोर्ट। और ये मेरे पास होगा एम के साथ इसकी शॉर्टकट, और इसे मैं देता हूँ सी एम डी ट्रैक रिपोर्ट। ये मेरा एक सेक्शन हो गया, यहाँ पे डुप्लीकेट की है तो मैं इसको चेंज करता हूँ के के साथ, ठीक है, ये हमारा एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन जो हमारा है वो होगा यूज़र्स से रिलेटेड, तो इन कमो बॉक्सेस की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस बटन को अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें, इसको हम मर्ज कर देते हैं, मर्ज करके ये मेरे पास होगा सी एम डी यूज़र्स एंड यूजर्स, ठीक है। यूजर्स के ऊपर क्लिक करके हम यूजर्स देख सकेंगे और वहीं से हम नया यूजर अगर ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकेंगे। और इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करके यहाँ पे हम इसे प्लेस करेंगे, लेकिन प्लेस करने से पहले अगर हम इसे स्प्लिट कर लें, ठीक है, या बाद में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी इसे कर देता हूँ स्प्लिट हॉरिजॉन्टली और स्प्लिट हॉरिजॉन्टली। अब इसका कैप्शन हम करेंगे जनरल, ठीक है, लेफ्ट इसकी अलाइनमेंट हम रखेंगे, और इसका नेम हमारे पास होगा सी एम डी फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड इसका कैप्शन होगा। अगर मैं इसे मर्ज कर दूं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, मैं इसको कर देता हूं बॉटम और अलाइनमेंट सेंटर, क्योंकि ये बटन मेरे पास बड़ा होना चाहिए, तो ये आ जाएगा फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पे शॉर्टकट डुप्लीकेट है मेरे पास बैकअप के लिए, अगर मैं इसमें चेंज करूँ तो बी के साथ हमारी शॉर्टकट बनती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब दो बटन्स ये वाले मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इन्हें मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, ठीक है, ये फिर हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम इस ग्रिड को स्प्लिट हॉरिजॉन्टल करते हैं और ये सारे जो ग्रिड्स हैं ये हम डिलीट कर देंगे। इसमें मेरे पास होगा सी एम डी डिलीट ऑल डाटा, सी एम डी डिलीट डाटा, डिलीट ऑल डाटा, इसकी ये शॉर्टकट होगी, और ये मेरे पास होगा डेल बाय कैटेगरी सी ए टी, मैंने शॉर्टकट इसको किया है डिलीट बाय कैटेगरी, ठीक है, शॉर्टकट चेंज करनी पड़ेगी ई के साथ। ये सेक्शन हमारा जो है ये कहलाएगा प्लेसेस, और इसे मैं यहाँ पे मर्ज कर दूंगा, ये जितने भी मेरे सेक्शन हैं यहाँ तक, ठीक है। मर्ज करने के बाद इसका मैं नेम देता हूँ मिसलिनियस, और लास्ट जो हमारा होगा वो होगा यूजर्स का। तो साइज मेंटेन करते हैं अपनी सी एम डी बटन का जितने भी हैं, ठीक है जी। अब इन सब के कंट्रोल टिप टेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है प्रिविलेजेस, ये हम लेफ्ट पे रखते हैं, लेफ्ट है, ठीक है। बैकअप, रिपोर्ट्स, प्रोफाइल,
अकाउंट टाइप्स, इंपोर्ट / एक्सपोर्ट, ट्रैकिंग रिपोर्ट, यूजर्स, फॉरगेट पासवर्ड, डिलीट ऑल डाटा, डिलीट डाटा बाय कैटेगरी। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे कंट्रोल टिप टेक्स्ट यहाँ पे दुरुस्त हो चुके हैं। तो अब हमें जस्ट पिक्चर्स चेंज करनी है, अपने आइकन हम चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ, ब्राउज करता हूँ, लोकेशन, मैं यहाँ पे लोकेशन चूज करता हूँ, प्राइवेसी, प्राइवेसी मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ इसके लिए, और बैकअप के लिए मेरे ख्याल से मौजूद होना चाहिए, तो ये बैकअप है। रिपोर्ट्स के लिए हम कोई भी आइकन चूज कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ हो गया, एक्सेल हो गई, वगैरह वगैरह। तो कॉमनली जो हम एक्सपोर्ट करेंगे अपनी डॉक्यूमेंट को, तो हम वही आइकन यहाँ पे लगा लेते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे पास पीडीएफ होना चाहिए, लेकिन शायद वो पीडीएफ के नाम से नहीं होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। मैं वैसे सरसरी देख लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं एक्सेल का आइकन चूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अगर पीडीएफ मुझे मिल गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ हम उसे छोड़ देंगे। तो ये है, सॉरी ये पॉप है, पॉप अप फोल्डर है। तो पी ओ के ऊपर हम गए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास पीडीएफ नहीं है, तो असेंडिंग बेस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक्सेल का जो आइकन है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसमें मैं करता हूँ एक्सेल, ये आप देख सकते हैं, ओके। अब कंपनी प्रोफाइल है, तो इसमें हम आते हैं, अच्छा ये कंपनी है, तो कंपनी के लिए मैं कंपनी ही चूज़ कर लेता हूँ। अकाउंट टाइप्स मेरे पास जो है वो ये मैं कह देता हूँ अबाकस। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मेरे पास आइकन होना चाहिए सिंक नहीं है, तो मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट। ठीक है, ये भी ठीक है, अगर हम ये यूज़ करना चाहें तो मैं इसे कर देता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैकिंग, ये मेरे पास है ट्रैकिंग के लिए, तो ट्रैकिंग के लिए भी हमारे पास आइकन मौजूद है। अब मैं आता हूँ यूज़र्स के ऊपर, ये है हमारे पास यूज़र। तो इसके बजाय अगर हम करें ग्रुप, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा, बल्कि ग्रुप हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, पीपल भी नहीं है हमारे पास। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो आइकन है पेशेंट का, इसी को चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कलरफुल है यूज़र्स के लिए। और फॉरगेट पासवर्ड मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज, फॉरगेट नहीं होगा, तो मैं सर्च करता हूँ इसे अपना सिक्योरिटी के लिए, सिक्योर कनेक्शन या फिर अनलॉक। ठीक है, ये सारे नहीं हैं, ये पासवर्ड जनरेटर वगैरह मौजूद है, तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ, ये जो पासवर्ड है। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। और डिलीट के लिए हम आते हैं ब्राउज, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, ये नहीं चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है हमारे पास, ट्रैश, अच्छा ट्रैश भी नहीं है, तो वार्निंग भी नहीं है,
ये जो रिस्क है मेरे पास, मैं इसे चूज कर लेता हूँ रिस्क, और यहाँ पे भी ब्राउज रिस्क, ठीक है जी। ये हमारे पास है सेटिंग्स चाइल्ड, और अब हम देख सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर कस्टमर्स, सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स, इम्प्लॉयज, इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस और सेटिंग्स। अब आप यहाँ पे भी पिक्चर अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, जबकि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ अगर हम टैब्स यूज़ करते तो हम यहाँ पे पिक्चर चूज नहीं कर सकते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सिंपली पिक्चर ब्राउज करेंगे और यहाँ पे आपने पिक्चर कैप्शन जनरल करना होगा तो आपकी ये पिक्चर भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। मैं यूज़ नहीं करने वाला, मैं वैसे ही इसे रखता हूँ। तो ये मेरा हो गया डैशबोर्ड। अब जो हमारे मेन काम है वो हम करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने जितने भी एक्शंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो जितने भी बटन्स हैं मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो रिलेटेड टू आवर सब फॉर्म है तो जब हम क्लिक करें हमारा सब फॉर्म फोकस हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, कस्टमर्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे नहीं ठहरता। अब अगर मैं कस्टमर्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा ये बटन जो है वो हाईलाइटेड हो चुका है, यानी उसके इर्द गिर्द एक डॉटेड आउटलाइन आ चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि जब मैं क्लिक करूँ कस्टमर्स के ऊपर तो मेरा जो सब फॉर्म है वो फोकस हो जाए, यानी मेरा माउस कर्सर वहाँ पे जंप कर जाए। तो मैं आता हूँ अन क्लिक इवेंट मी डॉट चाइल्ड डॉट सेट फोकस। अब इसी कोड को आपने जस्ट कॉपी करना है, और मैंने डिबग किया है तो डिबग जो कि मैंने कॉपी पेस्ट की थी चीज़ें, तो इसलिए मुझे कोड्स में यहाँ पे एरर दिया जाएगा जहाँ पे जनरल लिखा होगा। अगर जनरल लिखा है आपके पास तो आप सिंपली उस कोडिंग को डिलीट कर दें, क्योंकि वो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं, तो इसलिए कोडिंग अनएसोसिएटेड है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। मैं आता हूँ रिसीव पेमेंट के ऊपर, यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ कोड बिल्डर, ओके। ठीक है, चाहिए तो ये था कि मैं पहले से ही इसे कॉपी पेस्ट कर लेता तो ये ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, पेमेंट हिस्ट्री। अब यहाँ पे चूँकि हम रिपोर्ट ओपन करेंगे इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। अब हम आते हैं सप्लायर्स के ऊपर, यहाँ पे मैं आके क्लिक करता हूँ पेस्ट, ठीक है। ऐड पेमेंट के ऊपर आके करते हैं हम अन क्लिक इवेंट कोड बिल्डर, ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, इम्प्लॉयज के ऊपर, इसी तरह हम आते हैं इन्वेंट्री में, जी मैंने इन सब के ऊपर कोड कॉपी पेस्ट कर ली है टाइम की बचत के लिए। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ किसी भी बटन के ऊपर तो हमारा कर्सर हमें यहाँ पे नज़र नहीं आता और हमारा सब फॉर्म जो है वो फोकस हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जहाँ जहाँ पे भी हमने कम्बो बॉक्स बनाई हैं उन सब के ऊपर ऑन गार्ड फोकस हमें एक कोड लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन गार्ड फोकस में मैं करता हूँ ब्राउज मी डॉट सी डी ओ कस्टमर डॉट ड्रॉप डाउन। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जहाँ पे भी कम बॉक्स है आप उसका नाम देते हुए उसे इस तरह से ड्रॉप डाउन करेंगे, यानी हमारे कस्टमर को सॉरी हमारे यूज़र को यहाँ पे क्लिक ना करना पड़े, वो जस्ट यहाँ पे क्लिक करे इसी के अंदर तो हमारी कम बॉक्स जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाए। इसी तरह सी बी ओ रिपोर्ट्स के ऊपर हम आते हैं मी डॉट सी बी ओ कस्टमर रिपोर्ट्स ड्रॉप डाउन, ठीक है। सप्लायर्स में हम आते हैं
अच्छा ये भी सीबीओ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स, अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट में फ़र्क है इसलिए ये अलग अलग से हमारे पास आ रहे हैं। बहरहाल हम आते हैं अपनी अपने नए टैब इंप्लाइज के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं ठीक है जी, ये हमारा काम हो गया फाइनल। अब उसके बाद हम आते हैं स्टार्ट लेंगे हम डैशबोर्ड सॉरी कस्टमर से, और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कस्टमर्स का फॉर्म ओपन हो जाए जहाँ पे हमारे तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे, और अगर हम चाहेंगे तो हम नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे या किसी भी एक में हम एडिट करना चाहें तो वो हम कर सकेंगे। तो चलते हैं एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म डिज़ाइन कस्टमर्स, और इसे मैं नेम देता हूँ कस्टमर्स। ये हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर हमें सेटिंग्स करनी होगी। सबसे पहले मैं इसे करता हूँ कंटिन्यूस फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट व्यू में ये मेरे पास सिंगल फॉर्म था, मैंने इसे कंटिन्यूस कर दिया। कंटिन्यूस करने के बाद हम आते हैं इसे रिकॉर्ड सिलेक्टर में नो करते हैं, नेविगेशन बटन नो, स्क्रॉल बार वर्टिकली सिर्फ हम रखेंगे वर्टिकल ओनली, कंट्रोल बॉक्स नो, क्लोज बटन नो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज नो, और उसके बाद अलाउ डिलीशन यहाँ पे जो है इसे हम करेंगे नो, ठीक है, अलाउ एडिशन ये भी हम करेंगे नो, और राइट क्लिक करके हम करेंगे फॉर्म हेडर फुटर, इसमें हमारा हेडर आ जाएगा ये फॉर्म। अब हम इसमें अपनी फील्ड्स ऐड करेंगे, तो कस्टमर्स की जितने भी फील्ड्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं इन सबको मैं सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। राइट क्लिक करके लेआउट में हम इसे करेंगे टेबुलर, यानी टेबल की सूरत में हम अपना डाटा शो करना चाहेंगे, और इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करता हूँ क्योंकि मुझे टाइटल वगैरह भी लिखने ही हैं। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे अटैच कर देता हूँ। टेक्स्ट हमारा सेंट्रलाइज होगा, और ये जो हेडर है हमारे पास इसका कलर कोई हम चूज़ करेंगे, जैसे कि हम पहले अपने नेविगेशन के लिए चूज़ कर चुके हैं। इसमें कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, बैक कलर, यहाँ से हम बैक कलर कॉपी करेंगे इसकी वैल्यू, और इस फॉर्म के ऊपर आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा बैक कलर, अच्छा बैक कलर तो नहीं है बल्कि मैं इसे प्रेस्ड कलर जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, प्रेस्ड कलर, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारे पास होगा। अलबत्ता हमें एक एक बॉक्स लेना पड़ेगा जहाँ पे हम अपनी हेडिंग्स को शो कर सकें, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक शेप ले लेता हूँ, इस शेप को मैं फिल करूंगा, ये कुछ ज़्यादा हो गया है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से रखें जो भी रखना चाहें, बैक बॉर्डर स्टाइल ट्रांसपेरेंट, और राइट क्लिक करके पोजीशन सेंड टू बैक। इस पूरे ग्रिड को सेलेक्ट करके हम करेंगे अरेंज और कंट्रोल पैडिंग नन। बॉटम पे हमारे पास फुटर भी होगा, इस फुटर में हम कुछ बटन्स वगैरह ऐड करेंगे, तो इस टेक्स्ट बॉक्स सॉरी इस बॉक्स को मैं स्ट्रेच अक्रॉस
स्टॉप कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने साइज के हिसाब से बढ़ जाएगा। हम टेस्ट करने के लिए आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर कस्टमर्स, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ मेरा जो चाइल्ड है उसका सोर्स आना चाहिए कस्टमर्स का। मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड कस्टमर्स, और यहाँ पे हम करते हैं कस्टमर्स, तो यहाँ पे हमारा सारा डाटा शो होगा, जो जो भी पार्टिकुलर्स हमारे इस कस्टमर के हैं वो सारे के सारे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो वो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसी तरह मैं मज़ीद इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ ये भी आपने सजेशन देनी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सजेशंस के मुताबिक इस चीज़ को हम फाइनलाइज करें, ताकि एट द एंड ये फाइल आपके काम आ सके और आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक करते हुए ज़रूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।